नमस्कार। हिंदी की पाठ्यपुस्तक व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की व्याकरण की पुस्तक कोपल का पाठ 1 भाषा व्याकरण बोली और लिपि, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप मौखिक और लिखित रूप, भाषा की भारत की प्रमुख भाषाएं, भारत की राजभाषा, मातृभाषा, बोली और लिपि, इन सब के बारे में आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत व्याकरण। व्याकरण क्या होता है और व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो आइए पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है तथा यह भी बताता है कि भाषा को किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए। व्याकरण के अभाव में किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। स्वप्निल के पिताजी बीमार हैं। वह अपने मित्र से कहता है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, उनका कल से बुखार है, वो बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएगा। ये है कुछ पंक्तियाँ जिनमें व्याकरण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, क्यों और इसीलिए हम इन पंक्तियों को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब देखते हैं व्याकरण का प्रयोग के साथ हम इन्हीं पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं। स्वप्निल के पिताजी बीमार हैं। वह अपने मित्र को बताता है कि पिताजी बीमार हैं, उन्हें कल से बुखार है, बुखार बढ़ता ही जा रहा है, डॉक्टर को दिखा दिया है, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो ये था व्याकरण का प्रयोग करके अनुच्छेद का सही से उच्चारण। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण के अभाव में भाषा अशुद्ध लगती है, अशुद्ध ही रहती है। तो ये था व्याकरण। आप जानते हैं हम साहित्य। साहित्य क्या होता है? विद्वानों का चिंतन, वैज्ञानिक आविष्कार, विचारकों के विचार आदि ज्ञान के ही विविध रूप हैं। इन सभी रूपों से संबंधित ज्ञान साहित्य में निहित होता है। इन सभी के बारे में जो भी जानकारी दी होती है वो एक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साहित्य के ज्ञान का संचित कोष है। साहित्य ज्ञान का संचित कोष है, उसको संचित करके साहित्य के अंदर रखा जाता है, यानी लिखा जाता है। साहित्य के दो प्रमुख भेद है, एक है गद्य साहित्य, दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, इसके अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि आते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत गीत, कविता, गजल, छंद, पद आदि आते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ गद्य व प्रसाद की कामायनी पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। तो साहित्य के दो भेद गद्यखंड और पद्यखंड हैं। आप जानते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों से संबंधित अध्ययन किया जाता है और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये था व्याकरण और व्याकरण के अंग। श्रेष्ठम गद्य व पद्य साहित्य के बारे में जानते हैं कि श्रेष्ठम गद्य कौन से हैं, लेखकों द्वारा रचे गए हैं, और पद्य कौन से कवियों द्वारा रचे गए हैं। गद्य रचना है गोदान, प्रमुख गद्य रचना गोदान की, और रचनाकार हैं, प्रमुख रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। गबन दूसरी गद्य रचना है, गबन ये भी मुंशी प्रेमचंद की है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की है। स्कंदगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की, और विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। आनंद मठ बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने लिखी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ने लिखी है। विराट देवकी नंदन खत्री ने लिखी है। ऐसे ही आप पढ़ते हैं पद्य रचना के बारे में। रामचरित मानस किसने लिखी है, इसके रचनाकार कौन है? रामचरित मानस के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा है विनय पत्रिका, ये स्वामी तुलसीदास ने ये भी लिखी है। सूरसागर सूरदास जी ने लिखी है, रची हुई है रचना। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, नीरजा महादेवी वर्मा कवित्री हैं।
युगांतर सुमित्रनंदन पंत, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख पद्य रचना है। तो ये थी कुछ गद्य रचनाएं और उनके रचनाकार, पद्य रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में। तो बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है और चलिए पढ़ते हैं इस पाठ से संबंधित जो हमने मुख्य मुख्य कुछ बातें स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। जैसे पहला है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी भारत की राष्ट्रलिपि है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा व राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये थे पाठ से संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु। अब मैं पढ़ रही हूँ अभ्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर। पाठ के अंत में अभ्यास कार्य दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आपकी ही बुक के पाठ के अंतर्गत अंदर है। जो आपने अभी पाठ पढ़ा उसी के अंदर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं एक बार प्रश्न पढ़ती हूँ और आपसे ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर एक है कि भाषा के कितने मूल रूप हैं। भाषा के कितने मूल रूप हैं लिखिए। मैंने आपको बताया भाषा के कितने मूल रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा दो और एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को भाषा के मूल रूपों में क्यों नहीं गिनते हैं, मैंने आपको बताया क्योंकि संकेतों को सही तरीके से समझ पाना संभव नहीं है। एक कारण इसका ये भी है और एक और भी कारण है। आप इसे ध्यान से किताब में देखेंगे और फिर वहाँ से सही उत्तर लिखेंगे। भारत की राजभाषा कौन सी है, यह कब राजभाषा बनी, मातृभाषा किसे कहते हैं, बोली और भाषा में क्या अंतर है, आपने यहाँ पर बोली और भाषा दोनों की परिभाषा को लिख देना है, मानक भाषा से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, इसके कितने अंग हैं, साहित्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको सभी पाठ के अंतर समझा चुकी हूँ। पाठ के अंतर्गत मैं आपको ये सभी पॉइंट्स, ये सभी प्रश्न समझा चुकी हूँ। तो आप इन सभी के उत्तर अपनी पुस्तक से ढूंढ करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत तालिका में भाषा के आगे उनकी लिपि लिखिए। कुछ भाषाएं दी हुई हैं, आपको उनके आगे उनकी लिपि लिखनी है। प्रमुख तालिका में रचना के आगे रचनाकार का नाम लिखना है। अभी मैंने रचनाकार गद्य खंड और पद्य खंड के पढ़े और उनके रचनाकारों के नाम पढ़े, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर तीन है कि सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए और गलत के आगे गलत का। तो आपको ये वाक्य पढ़ने हैं और इन्हें समझकर जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और अंतिम प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एक प्रश्न है, उसके चार विकल्प है। एक पढ़ती हूँ मैं। भाषा के मूल रूप हैं मौखिक व सांकेतिक, लिखित व लिखित व सांकेतिक, मौखिक व लिखित, लिखित मौखिक व सांकेतिक। भाषा के मूल रूप कौन से हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बच्चों, इसी प्रकार से आपको ये सभी अभ्यास कार्य अपनी किताब में फिल करना है और आप पाठ की कुछ परिभाषाएं और आप अपनी हिंदी की जो आपकी नोटबुक है उसमें कर सकते हैं। और बाकी इसमें किताब में भी आपका स्पेस है तो यहाँ पर भी आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो पाठ एक यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।